इसका मुझे उससे ज्यादा बेटर लगा पिकअप। कौन से वाले का? जो अभी हम करके रहे थे ना। हेलो गाइस, कैसे हो? तो क्या सारे अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई आज तो हम सुबह सुबह उठ गए फटाफट, हमें निकलना था। और हम कहाँ जा रहे हैं वो बताएगा सौरव। आ भाई बताओ, और हम बता कहाँ जा रहे हैं। पहले तो हम शूट पे जा रहे हैं, आज हम वहाँ से जाएंगे। एक एक्सपो है, ईवी एक्सपो, पहली बार हमारा होगा, तो देखते हैं कैसे रहता है। हाँ तो भाई आज मुझे दो और शूट करने हैं, तो आपको उसका BTS दिखाऊंगा, उसमें 30 में दिखेगा। एंड आज फिर ऑटो एक्सपो जाएंगे, वहाँ पे कैसा है क्या है बताएंगे, और बहुत अमेजिंग जगह है। तो अभी फिर चले भाई, चलो तो फिर चलते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं ईवी एक्सपो के बाहर, जहां पे अभी हमें इसके अंदर जाना है। सो और भी लोग हैं, जैसे रिवोल्ट के जो है गैंग, इनकी सौरभ की जो गैंग एक तरह से बोल सकते हैं, ग्रुप गैंग एक बराबर है भाई। तो वो सब भी अभी आ चुके हैं, थोड़े बहुत और हैं, उनको आना है, फिर उसके बाद इधर अंदर चलेंगे। एंड पास पास का हमने पूछ लिया था, सब कुछ फ्री वगैरह है। सो कोई आना चाहता है तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नेक्स्ट जब भी होगा, लास्ट डे है, बट जब भी होगा नेक्स्ट अपडेट मैं दे दूंगा आपको जब भी होगा, तो वो चीज़ है। तो अब पहले इनका वेट कर लेते और फिर चलते हैं आगे। तो भाई यहाँ पे हम पहले अंदर एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। सो यहाँ पे हमें पहले टोकन लेना पड़ता है, तो टोकन हम सब ने ले लिया है, उसके बाद अब चल रहे हैं। भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे आया? अभी तो आया है भाई, कैसे बता दें अभी। हाँ चलते हैं। अभी ये कि पार्किंग की इशू है यहाँ पे, पार्किंग का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू लगा। आज हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा किसी भी एक्सपो का, सही बात है। सो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं ईवी एक्सपो के अंदर। तो भाई हमने सारी सिक्योरिटी चेक कर ली है। अरे जो भी दिखाना भाई, एम्बियंस बहुत ज़्यादा ही प्यारा है। लाइक अभी तो हम अंदर भी नहीं पहुँचे हैं, और उससे पहले इतनी सही फीलिंग आ रही है। कूलिंग बहुत है यार, सही है, मज़ेदार यार, बहुत प्यारा बना रखा है। पकड़ ले यार, यहाँ तक एयर लगता है मैं ना दूसरी से। भाई देख ही सकते हो भीड़ बहुत सही है। तो भाई यहाँ पे तनिष्क और सौरव दोनों फॉर्म भर रहे हैं, सही है। मतलब वहाँ पे पहले एंट्री करने से पहले हमें फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, एंड उसके बाद ही जो पास बनता है फिर वहाँ पे जाके हमें पास बनाना है, उसके बाद जाके हमें एंट्री मिलेगी। सो फर्स्ट बना लेते हैं, पहले सब कुछ कर लेते हैं पास, उसके बाद आपको दिखाता हूँ आगे। तो फाइनली हमारा पास बन चुका है, सौरव का भी बन गया है, सबका ही बन गया। गरम गरम है, बिल्कुल गरम गरम एकदम ताज़ा ताज़ा अभी बना है। सो इसको पहन लेते हैं, इसके बाद फिर चलते हैं अंदर। सो फाइनली हम एंटर हो चुके हैं, दिखाई दी आपको। सही बात है, और मतलब एक तरह से ये वही हो गया जिसको सामान वामान हो गया ले जाने वगैरह, तो उसके लिए परफेक्ट है भाई। ड्राइविंग भी चल रही है फुल यहाँ पे, मस्त अपनी। ओ भाई बहुत प्यारा है, डिजिटल एकदम है, एंड लुक वाइज बहुत प्यारा लग रहा है। और फ्रंट से देखो यार, मतलब क्या ही है, एकदम मज़ेदार वाला है तीनों का। हाँ इन्वेस्टिंग की LED है इनकी सारी हेड। हाँ एंड सारी LED है, ऐसा कुछ अब तो सब में LED आती ही है। बट हाँ वाली का देख, इसका जो DR का लुक है कितना अच्छा आ रहा है ना, बहुत प्यारा है। तो
ये BMS डिवाइस है, ये भी BMS है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये सिर्फ आपको प्रोटेक्शन यूनिट प्रोटेक्शन के लिए आप यूज़ करते हैं, मतलब बैटरी को प्रोटेक्ट करना, लाइक अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, ओवर करंट, अंडर करंट। तो और ये वाला जो डिवाइस है आपको प्रोटेक्शन के साथ साथ डेटा लॉग भी देता है, okay. प्लस आप जो थ्रेश होल्ड है जैसे अपर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, तो वो भी आप कंफिगर कर सकते हैं। कैन पे डेटा रीड करके आप क्लाउड पे डेटा सेंड करना चाहते हैं तो आप एक और डिवाइस कनेक्ट करेंगे IoT डिवाइस और आपको कैन पे डेटा शो कर देगा। Okay. तो ये वायरलेस के लिए मतलब आप कहीं भी हैं आप किसी भी बैटरी को ट्रैक कर सकते हैं GPS डिवाइस पे, यहाँ पे मैप पे सबका एक पर्टिकुलर यहाँ पे ID दे रखा है हमने, और कितना वोल्टेज है, कितना करंट कंज्यूम हो रहा है, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप वो सब यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे स्टार्ट से हो रहे हैं। बहुत अच्छा इंटरफेस है इसका। और ये वाला जो है अगर आपको सर्विस में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कंप्यूटर से प्लग करके आप पूरा डेटा डैशबोर्ड पे देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। यही चार्जर से ये चार्जर है जैसे अडेप्टर अपना फ़ोन का होता है, ये वही है। ये क्या सही लग रहा है यार, ये है ना। अब कस्टम बिल्ड करते हो क्या ये LED हेडलाइट वगैरह? अच्छा, तो आपने जो अभी बाइक चल रही है इंडिया मार्केट के अंदर EV रिवोल्ट आ रही 400, आप उसके बारे में? सो अभी यहाँ पे सौरभ LED वगैरह का कस्टमाइजेशन का पूछ रहे हैं। सो ये जो मोटर्स होती है हमारी ई बाइक्स वगैरह ई व्हीकल्स की, सो ये सारे उनके मोटर्स हैं वो है भाई, जो ई स्टॉल्स जो आते हैं हमारे ई व्हीकल्स वाले, तो वो सब है भाई। किसी को खाना आ सकता है आलू चाट मलाई वगैरह मटर कुल्चा वगैरह, भाई आना है खाओ बस अपना खा के जाओ। लाइक जो बंदे ऑन द गो करना चाहते हैं ना कि उनकी चलती फिरती स्टॉल वगैरह हो, हाँ उसके लिए सही है। ऊपर से एंड जो स्टार्टअप करना चाहते हो यार, स्टार्टअप किसको करना कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा ही है। और मतलब बहुत सही LED लाइट लग रही है इसकी। ये इसका मीटर है अभी पार्किंग मोड में, जो ग्राउंड स्पेसिंग है इसकी ये भी बहुत सही लग रही है। लाइक वो पूरी बैटरी है कि एक बैटरी अंदर टोटल कैसे चल लगे हुए कैसे होते हैं। तो अगर आपके ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें कि नेक्स्ट जो भी होगा उसका अपडेट मैं दूंगा। आप नीचे हमारे इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहे होंगे, जाओ उसमें आप फॉलो कर लो, उसमें हम आपको अपडेट देते रहते हैं कि नेक्स्ट कब होगा। इलेक्ट्रिक साइकिल्स यार सही है भाई, सब ट्रेल्स चेक कर रहे हैं, हम भी देखते हैं अगर मौका मिलता है तो पक्का करेंगे। यहाँ पे एकदम खाली है, लोग मजे कर रहे हैं, सेम वही बैटरीज यार आजकल फ्यूचर ही उसी का यार, फ्यूचर ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह का है, इतना ज़्यादा चलती है भाई। तीसरा राउंड है इनका देख रहा हूँ मैं, हम भी करेंगे ट्राई, अगर होप सो अगर पॉसिबल हो सका तो पक्का करेंगे। कैसा लगा आपको, आप अपना बताना चाहेंगे यहाँ का? मुझे तो कुछ समझ आया नहीं मेरा ये से कोई मतलब नहीं कोई नहीं इसका भाई, तू बता दे चल। अच्छा है, थोड़ा बहुत यूनिक है, इतना कुछ जो कहते हैं रिवोल्यूशनरी है इतना कुछ है नहीं या, बट एक स्टेप फॉरवर्ड तो है ये। लाइक डिज़ाइन काफ़ी अच्छे आ रखे हैं तो बंदे फिर सोचेंगे लेने के लिए, उनको भी लगेगा कि अच्छी डिज़ाइन है तो क्यों ना ले दें। तो भाई यहाँ पे पावर स्टेशन वगैरह बन रहे हैं इंडिया में, बहुत जगह स्टार्ट हो गए, बहुत जगह और नए नए बन रहे हैं, तो इन फ्यूचर कोई दिक्कत आने वाली चीज़ है नहीं। एंड लोकल के लिए बेस्ट चीज़ है यार, एक बार चार्ज कर लो 100%, उसके बाद 100-150 आराम से आपका पूरा दिन तो कट ही जाएगा, इतना तो मैं बोल ही सकता हूँ। क्योंकि हम भी यार देख सौरभ के पास भी जो है वो ई व्हीकल ही है, रिवोल्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल ही है, तो हम सारा उसी में जितना ड्राइव करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं डेली वगैरह, अभी तक हमारी बेस्ट है, अभी तक के लिए बेस्ट है यार, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। चलो फिर उस साइड चलते हैं, भूख लगे कुछ खाते हैं? नहीं भाई मैंने तो खा लिया है, इसने तो ये पूरा चैलेंज मार किया है भाई, मैंने तो चैलेंज किया था आपको, ऊपर आई बटन में लिंक दिख रहा होगा, वहाँ जाके देख लो भाई, इतना मज़ा आ गया ना खा के, जी सा आ गया। और आपको भी आना चाहिए वहाँ पे जहाँ पे है, वो वीडियो देखो आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा कहाँ पर है, बहुत मज़ा आएगा खाकर। ओहो खाने का सीन आ गया यहाँ पे,
बिरयानी, चाइनीज, चाय अड्डा, पाव भाजी, मटर कुलचा, ग्रिल्ड सैंडविच एंड पिज़्ज़ा, इंडियन थाली। भाई मेरा पेट भर रखा है मोस्टली, एंड इसके बाद भी मुझे एक और करने जाना है। जो करने जाऊंगा आपको आई बटन में उसका लिंक दिख गया ही है, जाओ उसको भी देखो, बहुत ऑसम है वो चैलेंज, तो और तगड़ा गया है, तो आप उसको देखो प्लीज़, अभी जाके देखो, बहुत मज़ा आएगा। एंड आपको कसम से बता रहा हूँ क्रेविंग अभी स्टार्ट हो जाएगी, इतना तगड़ा गया वो। सौरभ को लग गई भूख, तो उसका भी अभी कूपन निकाल रहा है। तो भाई यहाँ पे ले लिए हमने एक सैंडविच और एक चॉकलेट चोको चिप मूस, तो फिर हम मिलते हैं आपको खाने के बाद। तो भाई हमने अभी सैंडविच और मूस खा लिया, हमने बात कर लिया, तो सौरभ अब करने जा रहा है। तो भाई ये राउंड लेते हुए आ रहा है सौरभ, तो कैसा लगा यार, कैसा लगा आपको? लाइक काफ़ी सही है, सही है, सही है। लाइक अगर इनिशियल देखे तो कन्वर्ट कर रखी है ना कुछ, तो बहुत बढ़िया है भाई। क्या कर रहे हैं यार, रिवर्स भी इसमें क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ ये देख, इसको दबा के रखना है। हाँ और ओ इनोवेशन एक बार फिर से करियो सही है। पिकअप कैसा है? पिकअप अच्छा है, बाइक वाले पिकअप है ना, इंस्टेंट पिकअप अच्छा है इसका। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ये पिकअप आपने चलाई है एकदम, लाइक जितना मुझे सिंगल में लग रहा था एकदम वैसी है भाई। रिवर्स है इसके अंदर, तो इसमें डिफरेंस नहीं था, तो बहुत अच्छा था, मजा आया। कैसा लग रहा है? स्विगी जिंदाबाद, जोमेटो जिंदाबाद, कंफर्टेबल है? लाइक एक तरह से बोले ना, इसकी स्पेसिंग भी बहुत अच्छी कर रखी है, यहाँ की जो स्पेसिंग है बहुत ज़्यादा है। सो प्रॉपर स्विगी एंड जोमेटो के लिए ये बाइक इज़ द बेस्ट। चला भाई, सो अभी हम इसकी भी पिकअप चेक करके बता देते हैं आपको कि कैसी पिकअप है। कितने? सेवन। ओ भाई नाइस, 7 लोग बैठा के मतलब जो गोलमाल वाली मूवी थी ना जिसमें सारे वो एक और अटैच करते हैं, एक तरह से वही है, 7 बंदे बैठा के चला लिए अपने मस्त आराम से। भाई अगर किसी छोटे बच्चे बच्चे को लेनी है, मतलब एकदम क्यूट टाइप चाहिए ना थोड़ी, तो ये बेस्ट है। सही है, मतलब किसी को साइकिल लेनी है भाई ये ले लो, क्यूट भी है और अच्छा हो। एक और ये भी बड़ा सही है। सो अभी हम जा रहे हैं एक और की टेस्टिंग लेने के लिए, तो देखते हैं इसका कैसा है। अच्छा है, इनिशियल बहुत अच्छा इसका, मुझे उससे ज़्यादा बेटर लगा पिकअप। कौन से वाले का? जो अभी हम करके रहे थे ना। सर इसका प्राइस कितना होगा? 32,500 ऑन रोड विदाउट बैटरी, विदाउट बैटरी एंड एंड विद विद बैटरी एंड सर विद बैटरी विद बैटरी विद बैटरी 50,000 से लेके 67,000 ऑन रोड, तो आई थिंक जस्टिफाइड है इसके हिसाब से। तो लाइक सर पिकअप अच्छा है, एंड सिंगल पर्सन है कोई या फिर वो बहुत कम जाते हैं, इसके आसपास ही जाते हैं, तो उसके लिए बहुत सही है ना। एक तरह से बोल सकते हैं जो सिंगल मैन या सिंगल लेडी ट्रैवलर जो होता है ना लॉन्ग राइड के लिए या शॉर्ट राइड के लिए, तो उसके लिए बेस्ट चाहिए। अगर सिंगल पर्सन को राइड के लिए जाना है आराम से सोलो राइड, तो उसके लिए बहुत सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस अभी हम आए हुए हैं इंडी मोमोज। इस वीडियो ये जो शूट कर रहा हूँ इसका लिंक आपका ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा। भाई बहुत तगड़ा और इतना तगड़ा चैलेंज किया है ना, हद नहीं है। तो देखो भाई बाहुबली मोमोज का क्या ही मज़ा आया, क्रेविंग उठ जाएगी एक बार देख लोगे ना, कसम से क्रेविंग उठ जाओगे, खाने का मन करेगा। तो टाइम ऐसे देखना है कि जब अवेलेबल हो सके मुझे, ठीक है? और इसको तो आगे कंटिन्यू करूँगा, तो पहले यहाँ पर शूट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे के खा दो घर तक जाके। तो गाइस हम लोगों ने मोमोज खा लिए, बहुत टेस्टी थे एंड बहुत मज़ा आया।
मैं जीत गया एंड जीत गया यार। आपको कैसे क्या जीता कैसे जीता आपको दिखने को मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में लिंक है उसमें जाओ चेक करो, वीडियो बहुत ऑसम बना है और फॉलो करो, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वेक एंड वाइट को हरा दिया तेरे भाई ने, सही बोल रहे हैं। तो अभी बस यहाँ से निकलते, बारिश स्टार्ट हो रही है और मतलब एक दीवार से तभी हो गई थी, तो फटाफट निकलते घर पहुँचते फिर आपको एंड में बताता हूँ कैसा रहा क्या चीज़ रहा सब कुछ टोटल। तो फाइनली गाइस घर हम पहुँच ही चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो एक बार ऊपर चलता है वो थोड़ा चेंज वेंज करता हूँ उसके बाद आपसे बात करता हूँ। तो भाई हम ऊपर आ गए हैं, चेंज वेंज मैंने भी कर लिया है, सौरभ का हालत देख लो भाई बेचारा लेटा पड़ा है, ऐसी बैंड बज गई, सुबह 9 बजे के निकले हुए थे, चार शूट हो गए ना हमारे, चार शूट हमारे आज में हो गए, बैंड बहुत गंदी बज गई, मेरा हेडेक मार रहा है, भीग भी गए थे, बारिश भी आ गई थी, तो यार इतना कर रहे हैं तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है, शेयर भी बनता है और सब्सक्राइब तो बनता ही है यार, प्लीज़ इतना बोलते हैं यार, इतना मेहनत भी करते हैं तो इसी बात पे कर दो। एंड अगर आपको ये लॉग अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मैं ईवी एक्सपो में गया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा, लाइक इलेक्ट्रिक बाइक वाइक चलाई है इसके साथ, इसकी चलाई है, बट हाँ वहाँ पर जो थी उसका चलाने का एक्सपीरियंस एक और अच्छा था। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हमारी इंस्टाग्राम आईडीज दोनों के नीचे दिख रही होंगी, तो वहाँ पे भी जाके हमें फॉलो कर लो, ठीक है, फॉलो कर लो, बता रहा हूँ मैं, फॉलो कर लो, एंड दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। We'll be right back.